गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और भैया बाहर इतनी तेज ठंड है ना भाई, आइडिया लगा लो, चलो इतनी खतरनाक वाली ठंड है भाई, एक नंबर वाली। और सुबह सुबह मैं उठ गया, मुझे जाना था कि काम से, तो मैंने देखा यार क्यों ना उठ के ब्लॉग शुरू कर दिया जाए। और अभी भी ब्लॉग शुरू करा ना, तो मेरे भाई बाहर आते तो कब कभी छूट गए कि मैं यार आज तो बाहर का टेम्परेचर बहुत गंदा। अभी वैसे सब उठ गए हैं और बस दो बच्चों को छोड़कर मैं दिखा देता आपको। दो बच्चे, दो में से एक तो ही उठ गई, चुड़ैल लग रही है बिल्कुल भूत नहीं। एक ये रेडी हो रहा है, कल भी एक्सपोज हुआ था, आज भी एक्सपोज है हमारी भाई चाची बोल रही है हमारी बाहर इतनी बुरी हालत है ना, है ठंड है तभी। बेटा तुम स्कूल कैसे जाओगे इतनी तेज ठंड है, तो मैं कह रहा छुट्टी कर लो तुम, कह दिया कर लो छुट्टी कर लो, है नाक में बंद है, नाक में क्या हो गया तेरे, साफ करो तो नाक जल्दी से, पहन दिया जैकेट पहन, ऐसे मत बैठ हवा में, हवा आ रही बाहर से। ये ऋषभ है मस्त जैकेट वैकेट पहन के और बढ़िया सो रहा है ये। उठ जाओ ए ताम तबूरे, ए दिया उठ जाओ ए ताम तबूरे। देख लिया आपने? हाँ देख लिया। बड़ा वो बड़े वो बंदे थे ना तू भी ऐसे। और अभी एक तो तूफान सो ही रहा है इधर, वो तो अभी उठा ही नहीं, नहीं फिर दिया। सुबह सुबह लड़ाई हो जाती है सुबह सुबह तूफान उठने के। तो भाई ये देखो ये रहा अपना तूफान, तो भैया आज हमने नहाने को बॉयकॉट कर दिया कि बाहर बहुत ठंड है ना, तो सीरियसली अब चाची बूटे डालेगा क्या गया है जो है। तो कल यार ये पेन कर रहा था रात को, इस चक्कर में मैं नहीं डाल रहा आज, नहीं डाल तो ब्लॉग भी कल ही एडिट कर लिया था, आज के चक्कर में क्या टाइम नहीं मिल पाएगा, तो सारे काम कर चुका हूँ। और ये देखो कब जाना है शादी में, तारीख की शादी है उसकी, किसकी, 12 बजे ले दिया था शादी में जाएगी, ये ले। ऋषभ नहीं जाएगा है ना, ऋषभ मेरे पास रहेगा है ना, यहाँ पे नहीं जाएगा, नहीं नहीं जाएगा ऋषभ, हाँ ऋषभ नहीं जाएगा ने? बोल रहा था मेरे को बेटा एक दिन तेरे को भी एक्सपोज करूंगा, तो एक्सपोज करने आया था मैं तेरे को भी, बट क्या करे एक्सपोज ऋषभ हो गया आज फिर दोबारा से। मतलब मैं एक्सपोज करने आया था दिया को और हो गया ऋषभ, ऋषभ कल भी मैं आया था दिया को ही था करने एक्सपोज, बट हो गई ऋषभ हो गया था एक्सपोज। तो भाई ये हमारे घर का करना, मतलब जिस काम से जाते हैं ना वो काम नहीं होता, दूसरा काम करने जाते हैं। ओए मम्मा गेट बंद कर दो, मम्मा गेट बंद कर दो, ये देखो इसको तो उठ जा भाई, क्या रही है खुशबू तो आ रही सब्जी की वजह से, उठ जा कुछ घिया और छोले बना रात गला रहे ऋषभ, और आज तुझे पता है स्कूल को जाना पड़ रहा है। आज आप लोगों को बता देता हूँ, आज हमने सोचा है इसकी छुट्टी करा देते हैं, बट ये किसी की कॉपी लेके आई है जिस वजह से इसको स्कूल भेजना नहीं, उसको दे देना। हाँ एक्सक्यूज दे लो, स्कूल तो जाना पड़ेगा खरबूजे, स्कूल तो जाना पड़ेगा, छुट्टी लूंगी ना यार अब फालतू छुट्टी कराने से। हाँ 9 दिन की छुट्टी होगी ना फिर, 9 दिन की जबरदस्ती, फिर 5 दिन की, 2-3 दिन की, 2 दिन की बस। तो भैया अब पता चल गया ना, दिया 2-4 दिन ब्लॉग में नहीं आने वाली, तो ये लोग जाएंगे शादी में। और अभी बन रही चाय, मेरी चाय बन रही है, चाय पियेंगे हाथ धोएंगे और निकल जाएंगे, बिकॉज कल मेरे यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था रात को, खांसी भी हो रही थी, तो रात को मेडिसिन वगैरह ली थी, सुबह तो थोड़ा सा रिलीफ था, तो मैंने देखा यार आज जैसा टेम्परेचर है वैसा ही रखा जाए, बिकॉज है ना टेम्परेचर से ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है, और मैं ज़्यादा दिक्कत देना नहीं चाहता। और भाई हल्की हल्की फॉग भी हो रखी है ऊपर, भाई ठंड है ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं ठंड से। तो अभी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर और देखते हैं जिसमें क्या कुछ अच्छा है क्या बुरा है, और जब तक दिया औरों के जाने का टाइम हो जाएगा, और आज दिया औरों के जाने से पहले मैं चला जाऊँगा,
बट यार वाइट एकदम वाइट वहाँ पे ना सन एकदम वाइट लग रहा है, प्योर वाइट देखने में भाई। वीडियो में पता नहीं वीडियो में दिख पाएगा नहीं दिख पाएगा, बट यार बहुत क्लासिक लग रहा है। तो अपन रेडी होते हैं और निकलते हैं अपने काम के लिए, फिर लेट हो जाएंगे, फिर लेट हो गए कोई फायदा। आज फिर से एक्सपोज हो गया, आकाश भैया क्या करेंगे, एक्सपोज हो गया तू आज फिर से, तेरे को एक्सपोज कर दिया हमने। आज एक्सपोज हो गया और वो देखो वो झाग झाग के देख रहा है पीछे। चले चले आज दोनों भाई बहन साथ में निकलेंगे, मेरे को 9:15 पहुंचना है और तेरे को 9। डंडे की मारो डंडे की, तभी उठेगा ऐसे। डंडे की मारो डंडे की, पीछे मारना पीछे। है दिया दिया पीछे मारना पीछे। कहाँ पे वो दिख रही है मुझे, दिख रही है आपको नहीं दिख रही। एक एक तो मिल गई, दो दो भी मिल गई, और ये देखो। और बाप रे ऋषभ को देखो, ऋषभ कैसे कर रखा है। तो भैया अभी अपना टाइम हो चुका है 15 मिनट डिले, तो 15 मिनट डिले हुआ है, तो 15 मिनट अपन आराम से निकलेंगे। आधे घंटे में शूट अटैक करके पहुंच जाएंगे, तो मैं चाह नहीं रहा आधे घंटे पहले मतलब ज़्यादा जल्दी पहुँच के भी वहाँ बैठना ही पड़ेगा। और इसको देखो भाई दोस्ती हो तो ऐसी हो भाई साहब, ठंड में भी जाए तो साथ में जाए, नहीं तो अकेले तो जाए ना भाई साहब, खतरनाक। और अभी तबीयत खराब हो गई भाई, खराब नहीं मतलब कोल्ड सा हो गया, ठंड में ज़्यादा घूम लिए तो अब नुकसान हो रहा है। और अभी काम हो रहा है तो मैं नहीं चाहता तबीयत खराब हो जाए और सारे काम कोई और करे मेरी जगह, तो मेरे को ही काम करने। और अभी काम वाम निपटाएंगे फिर दोबारा मिलेंगे। आज तो पता नहीं आगे ब्लॉग कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, जहाँ कर लिया आगे का शेड्यूल पता नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अकेले हूँ और जिस दिन अकेले होता ना उस दिन बहुत गंदे वाली भसड़ होती है। तो आज की भसड़ देखते हैं जो भी रहने वाली है। बट सबसे पहले ये कि अभी अपन यहाँ से निकलते हैं और प्रोग्राम में पहुँच के फिर वहाँ देखते हैं क्या सीखते हैं। तो भैया सुबह से गए हुए थे अपन शूट के ऊपर और शूट से फ्री होके आए घर पर, तो आज भी मैंने सुबह बताया था ना कि तबीयत ठीक नहीं है, तो सीरियसली तबीयत ठीक नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि काम मेरी जगह कोई और करे, कि मेरा काम है तो मैं ही करूं, बिकॉज पैसा यार जेब में आया, बाहर वाले को देंगे उससे बढ़िया अपन ही कमाए, वो ज़्यादा बढ़िया ना। तो अभी आए थे, अब जाने वाले का जाने का समय हो रहा है, बस 10-15 मिनट में अभी निकलेंगे घर से शूट पे वापस से। सुबह वेडिंग थी, अब रिसेप्शन है, तो बस अब रिसेप्शन पे निपटा के आएंगे, वही शाम हो जाएगी इवनिंग। और आपको प्रिंट आउट निकाला ना, प्रिंट निकाला मैंने, रेडी पड़े हैं उसमें, ठीक है चाबी दे मेरे भाई। अगर तेरे भाई की चाबी दे दे यार मैं लेट हो गया। दिख गया कभी फटा फूट डाल देंगे। दिख गया दिख गया। अरे हेलमेट के पीछे हेलमेट का पक्का डाल दिया पक्के का। बाय। तो भैया अभी ऑटो को जाना है, तो यार कोई अध्यक्ष आ रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, कोई अध्यक्ष वगैरह आ रहे हैं, तो चाचा को वहाँ जाना है और मैं जाऊँगा अलग, तो अलग अलग भागा दौड़ी है। बट यार आज एनर्जी बिल्कुल ही डाउन है वो ना, उसके उसको उठा फटाफट तक किया था उसको हां कुछ हां कर रहा हूं। ओए इधर तो आ उठ। तो ये रहे भाई दोनों जने, और थोड़ी देर आया मैं सो गया। और आज आपको पता है कांड हो गया, मैं घर पे नहीं था ना, तो आज क्या कांड हुआ वो बता दो। मम्मी मारेगी मैं आपको पकड़ के। बता देता हूँ ना क्या हो गया, बता दो। क्यों मम्मी को मारेगी भैया, बता दो बता दो बता दो। मैं बताऊँ मेरे मुँह से बता क्या हुआ। ऋषभ और मदानशी वो बाहर लड़ाई हो रही थी और मेरे को ही पड़ गई, ऋषभ के भी पड़ी यार, ऋषभ की किसी की भी नहीं थी गलती, दोनों की थी। पता क्यों? उसने बॉल पे बॉल फेंकी तो उसके मुंह पे लगी, उसने सोचा मेरा मुंह पे मारी, ऐसे पकड़ गया ऐसे। जब मैं
छुड़वा दिया कहीं ऐसे करके ऐसा धक्का मारा दोनों ने मुझको और फिर पापा है पापा ने तो पहले मुझको मारी चट्टे और के मेरे ये गाल पे लगी पर दर्द गया और दांत पे और फिर इसको फिर पड़ी अच्छा दोनों के पड़ी मेरे को बिना मतलब की पड़ गई हम दोनों को बिना मतलब बिना गलती के इसको पड़ी इसको मतलब मजा इतना आ रहा था मैं घर के अंदर गया और अंदर जाते हैं आकाश बाबा मेरे को तो बिना मतलब के पड़ी है मैंने तो बचाया बल्कि चलो ठीक है कोई ना मम्मी पड़ी थी तेरे को तो बिना मतलब के पड़ी दो चूहे बिल्ली की लड़ाई में मगरमच्छ फंस गया बेचारा नहीं हाथी फंस गया बेचारा अच्छा हाथी मानती तू कुछ हाँ वैसे भी तू हथनी है हथनी अरे यार हथनी को थोड़ा सा स्टाइल होगा लेकिन वो कम जाएगा मैं अमन प्रोग्राम में जाऊंगा मेरा टाइम हो रहा है एक मिनट में आ गया यहीं तक जाके मेडिकल फटाफट जाके फटाफट वापस आ बिकॉज पता नहीं मेरे को जाने ना वापस तो टाइम लग जाएगा और ये चला गया अभी दोस्त के साथ तो ये लेट आएगा मुझे पता है और रात का मेरा भी ऐसा पता नहीं है कि रात को मैं कितने बजे आऊंगा और अब न्यू चेयर लाए आकाश को झूला झूला भैया ये नई चेयर झूला अरे बेटे झूला झूलने के लिए थोड़ी होती है तुम कैसे चल रहे बेटा गंदी बात होती है ना हां कुछ को इस बस से गंदा लगता है दुकान के अंदर आता हूं तो डस्टबिन बड़ा उसके अंदर नहीं डालते थे जब दुकान के अंदर छोड़ देते अच्छा कोई ये तो वो है क्या बोलते इसको योगी कंठी का ये कोई बात नहीं मैं लाके मैंने खाया था अभी मेरी क्या है थोड़ी तबीयत ठीक नहीं ना तो मैं लाके और मैंने खाई थी बहुत जरूरी थी आज दर्द तबीयत ऐसे कभी नहीं होता जिस फोन में ब्लॉग बन रही है ना उस फोन को अभी डस्टबिन के ऊपर चार्ज करने के लिए रख रहा हूं ब्लॉग जो वो देख लिया आज वाला ब्लॉग कल वाला मैं देखता नहीं हूं क्योंकि मुझके मेरे हाथ में टीवी नहीं आता अच्छा हाँ जब से वायर रिशकटी ये बात सही है इस बात से मैं भी एग्री इत्तेफाक रखता हूँ बिकॉज जब से ऋषभ की क्या है टीवी देख रहा है ना छूट गया है हमारा ऋषभ अब टीवी देख रहा है जब चलू करेगा जब वो जाएगा और वो पता नहीं कब जाएगा जब भी जाएगा चलो कोई बात नहीं खैर बच्चे की लड़ाइयाँ ऐसी चलती रहती है बच्चों की लड़ाइयाँ ऐसी चलती रहती है बच्चों के बीच में बोलना गलत बात होती है बहुत अच्छी बात होती है देखो क्या कर रहा है है वही क्या बोल रहा है बहुत अच्छी बात होती है हैं हाँ क्यों अच्छी बात क्यों होती है क्योंकि दूसरे बच्चे को भी तो मारते हैं गंदी बात होती है ऐसे नहीं करते भाई है ना आपका वो छोटा छोटा भाई है आपका देख 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 उधम 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 मांझा ऋषभ मांझा नहीं मान रहा मैं आऊं तो अब फाइनली इस ब्लॉग को एडिट आप मैं ही बात बतानी मुझको बोल जल्दी बोल मैं ना पूजा करके जा रहा इनने मुझको रोक रहा था रुक जा एक बात बतानी रुक जा एक बात बतानी सीधे नहीं बोल सकते कि वीडियो बनाना मेरे को जाना है मेरा भी टाइम हो रहा है ठीक है हो गया ना भाई। तो भाई फालतू की माता खा रहा था तो मेरा भी टाइम हो रहा है फटाफट मैं प्रिंट आउट निकालता हूं निकलते हैं प्रोग्राम के लिए लेट हो जाएंगे ना तो फालतू में बात होती है इसलिए कोई नॉर्मा ना दे अपन अपने टाइम से पहुँचते हैं टाइम से पहुँच जाएंगे बिकॉज ये रहेगा कि हाँ यार अपन जाके बैठे हैं तो अपन फ़ोन करके बोल सकते हैं कि हाँ भैया हम आ गए हैं अब आप लोग कितना आप लोगों की वजह से लेट हुआ हमारी वजह से लेट हुआ और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बता देना मैंने बताया था तबियत ख़राब है आवाज़ से लग ही गया होगा तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जब तक के लिए बाय बाय।